मुद्रा थी, जितनी योजनाओं पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया, और उसके साथ साथ जो एक अलग मंत्रालय स्किलिंग का बना, उसके माध्यम से कितने बेरोजगार साथियों को इनने रोजगार दिए, उसका कोई भी आंकड़ा ना तो सरकार प्रस्तुत कर पाई, ना भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र प्रस्तुत कर पाया। दूसरी जो सबसे अहम चीज थी, प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत पानीपत से करी। हैरानी की चीज है कि कैग ऑडिट बताता है कि 51% ऑफ टोटल रेवेन्यू यूटिलाइज्ड बाय बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इज ओनली फॉर एडवर्टाइजमेंट, प्रधानमंत्री की फोटो की प्रमोशन थी। और जब हमने इनका संकल्प पत्र चेक किया तो ये पता चला कि सिर्फ एक शब्द इनके संकल्प पत्र में आया, वो ये था कि ट्रिपल तलाक पे सरकार कदम उठाएगी। उसको छोड़कर चाहे वुमेन अपलिफ्टमेंट हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो, चाहे फीमेल फिटिसाइड को रोकने की बात हो, महिला सशक्तिकरण पे भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र बिल्कुल विफल रहा। जो सबसे अहम सोसाइटी का पार्ट है किसान, इनका संकल्प पत्र ये कहता है किसान की आय दुगनी कर देंगे, वो भी 2022 में जाकर। मगर ये लोग ये नहीं बता पाए कि पिछले 5 साल के अंदर किसान को कितना समर्थन मूल्य से फालतू ये दे पाए। और हैरानी की चीज ये है कि आज के दिन जहां पूरे प्रदेश में सरसों मंडी में आई थी और उसका समर्थन मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित 4200 रुपये, आज उस पर भी कैपिंग करी गई है कि प्रत्येक एकड़ 5-6 क्विंटल और प्रति फार्मर 25 क्विंटल से ज्यादा सरसों की परचेज नहीं करी जाएगी। ये अपने आप में दर्शाता है कि ये लोग आज कितने किसान विरोधी। मैं तो ये मांग भी करता हूँ हरियाणा की सरकार से कि 2 दिन पहले जो ओलावृष्टि हुई और जो आंधी आई, उससे बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस यमुनानगर अम्बाड़ा और कुछ हिस्से कुरुक्षेत्र जिले के जहाँ हुआ, सरकार तुरंत प्रभाव से गिरदावरी कराकर उन फार्मर्स को उनकी क्रॉप लॉस का मुआवजा दे, और साथ के साथ जो ये कैपिंग है सरसों के ऊपर इसको तुरंत प्रभाव से रिवोक करने का काम करे। एक बड़ा अहम चीज इनके संकल्प पत्र में दिखी, वो थी प्रदूषण के ऊपर बड़ी चिंतित है भारतीय जनता पार्टी। एनजीटी द्वारा निरंतर अलग अलग कदम उठाने की मांग दिल्ली के अंदर करेगी। और हैरानी की बात है कि गुड़गांव दुनिया के प्रदूषित शहरों में से एक आज के दिन बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी ये बताए 5 साल में प्रदूषण को रोकने के क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर अगर बात करें तो गुड़गांव के हालात बद से बदहाल करने में सबसे बड़ा योगदान रहा तो इनकी सरकार का रहा। एक चीज जो बीजेपी के 2014 के संकल्प पत्र में और 19 के संकल्प पत्र में देखने को मिली वो यही है कि हाउसिंग फॉर ऑल की बात करते हैं। हमने हिसार की बात करूं या पैन हरियाणा की बात करूं, लाखों लोगों ने घरों की मांग करी। अब तक तो बेसिक सर्वे भी इनकी पार्टी 5 साल में देश भर का नहीं करवा पाई। आज ये कहती है कि हम गरीब को घर देंगे। 5 साल के अंदर गरीब को घर देने के लिए बीजेपी ने क्या कदम उठाए उसका जरूर वितरण करने का काम करें, क्योंकि ये सबसे अहम चीज है कि जो 5 साल पहले योजना बनाएगी वो बनाएगी
2011 के सर्वे के ऊपर, और 2011 के सर्वे के प्रति जो पुरानी योजनाएं थी उसमें तो लोगों को पहली किस्त दूसरी किस्त भी मिली, पर जब से बीजेपी की सरकार आई एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पहली किस्त के पैसे भी देने में सरकार सफल रही। आज जहां प्रदेश के हालात की बात, 5 साल के अंदर ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शोषित ना रहा, और 5 साल के दौरान जितनी बड़ी बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने करी, चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की हो, आज फौजी उससे नाखुश है, चाहे युवा रोजगार की हो, ये आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा में 4 साल में 37,000 नौकरी दी और अब तक लगभग 23,000 से 25,000 के बीच में इम्प्लॉयज रिटायर हुए। तो इसके ऊपर मैं मांग करता हूँ कि हरियाणा सरकार ये बताने का काम करे कि 5 साल में रोजगार के क्या नए साधन उपलब्ध इस सरकार ने कराए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर कितने नए महिला स्कूल कॉलेजेस हमारी बेटियों के लिए नए बढ़ाने का काम किया। एनसीआरबी का तो डाटा ये बताता है कि आज की स्थिति में 2 रेप की घटनाएं हमारे प्रदेश में हर रोज दर्ज होती है, और तो और आज के दिन महिला के खिलाफ अपराध में हम देश में 5वें स्थान पर हैं, जिसका मतलब हमने बिहार को भी पीछे छोड़ने का काम किया। और इन तमाम चीजों को देखते 5 साल में भारतीय जनता पार्टी का जो विजन रहा है वो केवल जैसे अंग्रेज करते थे डिवाइड एंड रूल का, आज उसी प्रकार से समाज को बांटने का, चाहे वो धार्मिक तौर पे हो जातिगत तौर पर हो, बांटकर अपने वोटों को बटोरने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया है कि अगर आप पुलवामा के शहीदों को नमन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। ये इनकी सोच दर्शाती है कि 14 दिन में 53 जवान हमारे शहीद हुए और उन 53 जवानों की शहादत को ये लोग एक और पर अपने वोटों के लिए इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा था, उसके बाद तो क्लियर कट गाइडेंस आई थी कि किसी प्रकार से भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री की किसी भी मूवमेंट को कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्टेटमेंट्स में या अपने पोस्टर्स में यूटिलाइज करने से रिफ्रेन करे। उसके बावजूद भी इस तरह की स्टेटमेंट अगर प्रधानमंत्री द्वारा आती ये दर्शाता है कि आज ये हमारे शहीदों के ऊपर भी राजनीति करने का काम करे। मैं एक चीज और आपके बीच में रखना चाहूँगा, कई साथी बारी बारी एक ही सवाल हमारे से पूछते हैं कि गठबंधन होगा नहीं होगा। मैं आज आपको बता दूं, एक 3 सदस्य कमेटी थी जिसके अंदर सरदार निशांत सिंह जी, डॉक्टर केसी बांगर जी और काद्यान साहब थे। कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी, वो सबमिशन की रिपोर्ट हमने डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी तक पहुंचा दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि नवरात्रों के बीच में खुशखबरी के साथ आपके बीच में हरियाणा के अंदर इस लोकसभा में एक बड़े परिवर्तन की मजबूत नींव हम रखने का काम करेंगे। जहां सीट शेयरिंग की बात है, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़े, जैसे ही होगा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के साथ हम मैदान में आएंगे और मैदान में आकर चुनाव को मजबूती से। एक आज हमारे बीच में हमारे बहुत ही मजबूत 15 साल तक हिसार के जिला अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल लोकदल के किसान सेल के प्रदेश के अध्यक्ष रहे 2 टेन्योर तक, चौधरी पूर्ण सिंह डाबड़ा जी, पूर्व विधायक
जो 2000 से 2005 तक हरियाणा विधानसभा के सदस्य भी रहे, वो अपने तमाम साथियों के साथ दलवीर पवार जी, राजमल काजल जी, शीशपाल जी, राम अवतार धारीवाल जी, बलराज सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, प्रभु जी, रणधीर जी और अन्य नाम हैं, ये आज इंडियन नेशनल लोकदल छोड़कर जननायक जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर इनका स्वागत करते हैं, इनका अभिनंदन करते हैं। इनके साथ राजेंद्र सिंह जी हैं, पूर्व सरपंच धरोंडा से, ये पंचायती राज प्रकोष्ठ करनाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। इनको भी हम विधिवत तौर पर जननायक जनता पार्टी में शामिल करते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि इसी प्रकार से आने वाले समय के अंदर संगठन मजबूती से आगे बढ़ने का काम करेगा। और अभी तो शुरुआत है, इलेक्शन आपके बीच में है, मजबूती के साथ आगामी लोकसभा के साथ हम आपके बीच आपको एक मजबूत दल देंगे। नहीं बिल्कुल, मैंने आप पहले भी बड़ा क्लियर कर दिया कि कांग्रेस पार्टी को चौधरी देवीलाल जी ने 1971 में छोड़ने का काम किया था और 1971 से लेकर आज तक हमने उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ी है और यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि प्रदेश जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखे, वहाँ जिन लोगों से हमेशा लड़ते रहे उनसे हम लड़ाई को और मजबूती से लेते। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमारा समझौते की बात सिरे चढ़ गई है बीजेपी से। मैं तो आपको बोल रहा हूँ, कमेटी की एक रिपोर्ट है। आप दो दिन का इंतजार कर लो, जिससे होगा आपके सामने होगा। आप उनकी बात को डिनाई करते हैं? मैंने डिनाई किया है, मैं आपको कह रहा हूँ दो दिन और इंतजार करो, रिपोर्ट आज जिसके साथ भी होगा आपके बीच में, दो एक दल हो, पांच दल हो, सात दल हो, कई बार ऐसे ऐसे राजनीतिक दल भी हैं जो शायद लोकसभा ना लड़ना चाहते हैं और वो हमारा सहयोग करेंगे। हम इसी प्रयास के साथ आगे चलेंगे कि अधिकतम ऐसे लोगों को लेकर जाए जो आज ये राष्ट्रवादी जो बात करते हैं, जो इस देश को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, हमारे संविधान को कमजोर कर रहे हैं, इनके विरुद्ध मिलकर लड़ाई लड़ने का मेरी प्राथमिकता कि मैं हिसार लोकसभा से चुनाव लड़ूं और संगठन का निर्णय होगा। संगठन अगर मेरा रोल और कुछ चाहता है तो फिर तमाम साथी विचार करके उस पर भी निर्णय। आम आदमी पार्टी कंटिन्यू ये कह रही थी कि कांग्रेस, जेजेपी और आम आदमी पार्टी मिल जाए, आपसे बात करके ही ये सारी बात उन्होंने ऑफर किया बिना बात। अगर डे वन से मैं कह रहा हूँ कि 1971 से चौधरी देवीलाल जी ने कांग्रेस के विरुद्ध लड़ाई लड़ी, तो क्या इस स्टेटमेंट को आप समझेंगे? नहीं, आपकी स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हैं, पर आम आदमी पार्टी के केजरीवाल की स्टेटमेंट को गंभीरता से लेते हैं। उनके विचार हो सकते हैं, उनके प्रयास हो सकते हैं, बिल्कुल उनका दिल्ली का अपना अलग सोच है, मगर अगर उस परिस्थिति को देखें हरियाणा प्रदेश के अंदर जो बातें थी उनको हमने प्रॉपरली क्लियरली आपके आगे निरंतर रखा और स्वयं अकेले मैंने ही नहीं, चाहे वो पार्टी के प्रधान महासचिव हो, दिग्विजय सिंह हो, सरदार निशांत सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष, सब ने आपके बीच में बड़ी क्लियरली रखने का काम। कुशल जी, यदि आम आदमी पार्टी का कांग्रेस से समझौता होता है तो क्या आपकी पार्टी हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी? हरियाणा प्रदेश में होता है तो बिल्कुल नहीं। तो आम आदमी पार्टी के साथ इनिशियली आपकी सहमति हो चुकी है? एक दल नहीं है, अनेकों दल हैं और सबसे अलग अलग तरह की चर्चा कर कर ये निष्कर्ष निकला। आगे उस पर क्या कदम उठते हैं वो आपके बीच में हम डिटेल्ड डिस्कशन के बाद, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो हमारी पार्टी के संरक्षक हैं उनकी सहमति के बाद आपके बीच में रखने का काम, उम्मीद रखते हैं।
सुरेंद्र जी, मैं आपसे पूछना था, तो जिसके विरुद्ध एक मुहिम चली और जो आज हमारी चप्पल के पीछे पड़े हुए, क्या उनके साथ जाना के कोई चित्त है आपके साथ? दो दिन का इंतजार कर लो ना, कंफ्यूजन रहेगी, तथ्य और रिपोर्ट सारी आपके सामने। 13 तारीख को गठबंधन की घोषणा हो, 13 को हो, 12 को हो, आपके बीच में जल्द नवरात्रों में खुशखबरी दे दें। सारा परिवार लड़ लेगा तो प्रदेश कौन संभालेगा? गठबंधन में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सारे मिलकर लड़ते हैं। और जिसके विनेबिलिटी जिस सीट पे होगी उस सीट पर वो चुनाव लड़े। आज चाहे बिहार में जाकर देखो, आज आप उत्तर प्रदेश में देखो, चाहे पुराने इतिहास के अंदर हरियाणा में देखो, लोकसभा की परिस्थिति विधानसभा की परिस्थिति अलग अलग होती है। मगर मैंने पहले भी कहा था, सम्मानजनक कोई बात होगी उसके ऊपर चर्चा करके एक एक बिंदुओं को टच करके जो जहाँ से मजबूत है उसकी दावेदारी वहाँ रख कर कदम उठाएंगे। परवाना जी, आपको बड़ा स्पेसिफिकली क्लियर कर दूं परवाना जी, लास्ट टाइम भी जब प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब भी आपने यही सवाल पूछा था। वो चारों विधायक जो है हमारे समर्थित विधायक हैं, ना तो उन चारों ने अभी तक जननायक जनता पार्टी की सदस्यता ली और वो हमारा इस मुहिम के अंदर समर्थन कर रहे हैं। जिस दिन वो जननायक जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे उस दिन विधिवत तौर पर वो अपनी सदस्यता से रिजाइन करें। चारों विधायकों ने अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि हम इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हमारी जिम्मेवारी है कि हम आखिरी दिन तक अपने क्षेत्र की सेवा करें, उनकी आवाज़ को विधानसभा में उठा दें। और संगठन को अगर लगेगा कि उनको संगठन में जिम्मेवारी देनी और जिम्मेवारी के साथ उनको संगठन के अंदर आगे लेकर चलना है तो ज़रूर वो रिजाइन कर कर आएंगे। अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं तो जो लोग इनको नोटिस भेजते हैं उनसे ये पूछिए कि पिछले 4.5 साल से फरीदाबाद NIT के जो विधायक हैं उनके दल के, वो भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी, होर्डिंग भी भारतीय जनता पार्टी के, गतिविधियां एक बार भी उनके संगठन के अंदर नहीं, भारतीय पार्टी के साथ देखेंगे। ये क्या मजबूरी बनी कि नोटिस 4 के खिलाफ भेजा गया और 1 को छोड़ा गया? ये अपने आप में दिखाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल हाथ से हाथ मिलाकर प्रदेश के अंदर राजनीति करने का काम कर रही है। और ये स्पष्टीकरण इस चीज़ से भी आता है कि नोटिस का जो मोशन है वो 4 के खिलाफ, जो 4 को नोटिस दिया है वो 4 अपना जवाब खुद देंगे, उसके अंदर जननायक जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। अकाली दल के विधायक जो उनके संभावना थी वो ज्वाइन करेंगे तो मेरी नॉलेज में नहीं था, ना मेरी उनसे चर्चा हुई, ना मेरी नॉलेज में है। मैंने तो खुद एक अखबार के अंदर आज लिखा हुआ है, शायद दैनिक भास्कर के अंदर, और उसके अंदर भी आपने सूत्र अकाली दल ही दे रखा है, तो कोई हमारी पार्टी का सूत्र होता तो मैं ज़रूर उससे इन्वेस्टिगेट करता, मगर उन्हीं की पार्टी सूत्रधार बनकर जवाब देती है तो उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा।
हमारे पास 10 की 10 सीटों पर 122 लोगों की एक सूची है और उसके अंदर जननायक जनता पार्टी ने प्रॉपर वर्किंग भी कर ली है और उम्मीद करते हैं कि जिस दिन आपको खुशखबरी देंगे उसके 24 घंटे के अंतराल के अंदर आपको उम्मीदवारों की भी एक सूची देने का काम। अब ऐसे चौटाला ये कह रहे हैं कि चारों विधायकों को डिस्क्वालीफाई कराएंगे और जो हमने बता दिया सर जो लोग हैं अभी वो रिजाइन कर भी नहीं सकते हैं क्योंकि जब तक नोटिस पीरियड वो सर्व कर रहे हैं जब तक पूरी प्रक्रिया नहीं हो जाएगी वो रिजाइन शायद कर। ये आप उन विधायकों से और सेक्रेटरी से पूछे तो बेहतर है कि नोटिस पीरियड क्या हो, ना तो मैं उनमें से एक हूँ ना नोटिस मेरे को। बिल्कुल है पार्टी के आज वो सदस्य नहीं है, समर्थन है। और जहाँ समर्थन की बात आती है वो सेक्रेटरीट का निर्णय है, सेक्रेटरीट को वो जवाब लिखित में देंगे, सेक्रेटरीट जो भी निर्णय लेगी उसके ऊपर फिर जननायक जनता पार्टी उनसे चर्चा कर कर आगे कदम उठाए। मेरी चिट्ठी तो मेरे पास 11 नवंबर को आ गई थी, 2 नवंबर को जब मेरी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छीन ली, उसके बाद लिखो तो मेरी सदस्यता भी जब लोकसभा की थी जिस दिन 17वीं लोकसभा का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया उसके बाद तो मैं सिर्फ एक एक्टिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो सकता हूँ, मगर वो तो 17वीं लोकसभा में जो चुनकर आएगा वो जिस दल से आएगा वो उसके ऊपर निर्णय। तो बोल दिए, दोबारा मैं एक बार कर दूँ, सेलवाल जी अखबार लाए हैं, ये आपके यमुनानगर अम्बाला और कुरुक्षेत्र का कई हिस्सा है जहाँ ओलावृष्टि से और पंचकुला का जहाँ ओलावृष्टि और तूफान से बहुत ज़्यादा क्रॉप लॉस हुआ है और इन चीज़ को देखते हुए हम सरकार से आज मांग करते हैं कि स्पेशल डायरेक्शन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दी जाए कि जो फसल बीमा के अंदर आने वाली फसलें उसका निर्धारित समय 12 दिन का सर्वे का होता है, 12 दिन में इनका सर्वे रिपोर्ट बनाई जाए और जिन जिन किसानों के पास आज फसल बीमा नहीं थी उनके लिए सरकार तुरंत प्रभाव से स्पेशल कमेटी बनाकर उनको भी मुआवजा देने का काम करे। अब मेरे से क्या बुलवाना चाह रहे हैं, मैं वही बोल दूंगा। मैं तो आपसे पूछता हूं कि एक विधायक 4.5 साल से बीजेपी में, आज तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा, तो ये क्या दर्शाता? और उसके बाद निजी मुलाकातें होती हैं, उन निजी मुलाकातों का क्या उद्देश्य? ये तमाम चीज़ें अपने आप में दर्शाती है कि एंकी पैंकी गेम निरंतर आज नहीं लंबे समय से चलता आ रहा है। आप भी मानते होंगे कि वो बीजेपी के साथ है, परेशान तो पता ही होता है। हम तो कार्यालय कई साल से देख रहे हैं, आपका गठबंधन भी होता रहा है। चलो मैं एक बार आपकी फोटो और करवा लूं डाबड़ा साहब की, झंडा बुला लो सबको, कुर्सी पीछे यहाँ आओ, इधर एक अपने वो सरपंच साहब प्रधान जी का आगे, आप कादियान साहब की तरफ आ ये झंडा और भी दे दो, ये लो पकड़ो, ये आप दोबारा ले लें। अब मैं औपचारिक निवेदन कर लूँ, आप चाय पे ज्वाइन कर ले।
लेट हो गए प्रधाना जी, आप लास्ट में पूछते हो। आपको मैं वैसे बता दूंगा, आज आपको मैं वैसे बात चाय पे बता दूंगा। मोदी वाली चाय का कप ग्लास तो हमने छीन लिया था। चौकीदार वाला भी बच रही है, चौकीदार वाला भी बच रहा है, और झाड़ू भी बच रही है।